हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से प्ले स्टोर पर किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हो, किसी भी ऐप को ब्लॉक कर सकते हो। फिर आप उसे ब्लॉक कर दोगे ऐप को, तो फिर आप उसे प्ले स्टोर पर नहीं देख पाओगे। वो आप सर्च भी करोगे तब भी आपके सामने शो नहीं होगा। तो इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखते रहना है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आप किस तरीके से किसी भी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको अपने प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर अपने ऊपर की तरफ जीमेल का आइकन है, इस पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर सेटिंग का आइकन मिल जाएगा, सेटिंग लिखा है नीचे की तरफ, यहाँ पर देख सकते हो, इस पर क्लिक कर लेना है। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको फैमिली का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको पेरेंट्स कंट्रोल्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपका ये ऑप्शन ऑफ है, इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के लिए यहाँ पर आपको ये चार अंकों का पिन मांगेगा, आपको यहाँ पर चार अंक का डिजिट कोड दे देना है। और आपको ये ध्यान रखना है, कहीं आप भूल गए तो यहाँ पर आपको जब भी इसे फिर से मांगोगे तो आपको ये कोड डालना ही डालना है। तो यहाँ पर ये कन्फर्म करने के लिए मांग रहा है, तो मैं यहाँ पर फिर से डाल देती हूँ। डालने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैं फिर से व्यक्त जाकर दिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम सर्च करते हैं फ्री फायर, तो यहाँ पर अभी ये सर्च में आ रहा है। इसकी भी कोई वो होती है, जैसे कि यहाँ पर 12 प्लस के ऊपर के लोग होते हैं तो इसे डाउनलोड कर आप इसे खेल सकते हो। तो जैसे यहाँ पर अगर कोई 12 प्लस का नहीं है तो वो नहीं खेल सकता है। तो यहाँ पर हम फिर से आते हैं, यही यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको एप्स गेम्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको जो कोड डाला था आपने पिन, उसे डालना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको एक एक करके इसे अनटिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको 3 पर कर देना है। फिर आपको यहाँ पर सेव लिखा है, इस पर सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम आपको प्ले स्टोर में जाकर दिखाते हैं कि अब आप फ्री फायर ऐप को सर्च करोगे तो वो आपको यहाँ पर शो नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हो, अब आप फ्री फायर यहाँ पर कहीं नहीं देख पा रहे हो। इस तरीके से आप किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हो, किसी भी ऐप को ब्लॉक कर सकते हो, चाहे वो फ्री फायर हो या पबजी हो या अन्य गेम हो, चाहे कोई भी ऐप हो, आप उसे ब्लॉक कर सकते हो इस तरीके से। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो हमें DM करके बता देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं।